छील रहे। अरे बाप रे। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बागभूरिया। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आज फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक वीडियो क्लिप लेकर। दोस्तों ये जो वीडियो क्लिप है ये है द स्पिरिट पॉइंट की। जी हां दोस्तों, जिसमें सचिन सोनार और उनके सहयोगी शुभम एक लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सो उसकी वीडियो लेके आया हूँ, उसकी कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद वो एक छोटा सा फीडबैक भी देना है और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों पहले क्लिप्स देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। और इसकी जो लताएं आपको देख के पता चलेगा ऊपर कितनी बड़ी बड़ी इसकी लताएं हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं तो भाई वो दिखाएंगे आपको कि ये हुआ है यहाँ पास में बड़ा सा, इसमें पानी जमा हो रखा है ढेर सारा। और ये इस तरफ चलते हैं, 12 बजने वाले हैं दोस्तों। हाँ एक मिनट बाकी। इधर देखो सचिन भाई कुछ हिल रहे। अरे बाप रे, मेरे को तो लग रहा है इधर से पत्थर आया होगा। और कैसे चुम भाई, पत्थर तो ऑपोजिट साइड में था ना यार। नहीं नहीं ये टेनी भी नहीं हिल रही है। कुछ सवाल करते हैं यहाँ पे जो भी स्पिरिट मौजूद है उनसे, यहाँ पे होंगे नहीं। सचिन भाई आ रहा है क्या मेरे पे? हाँ आ रहा है, हिल रहा है। साफ साफ है दोस्तों आपके सामने दोनों आए हैं। सिर्फ हम लोग ऐसे टाइम में ऐसे समय में शुभम भाई और मैं दोनों अकेले आए हैं और साथ में कोई नहीं है। और ऐसी जगह पे मैं बोल देता हूँ आपको दिन में आना भी बहुत रिस्की है दोस्तों। और ये ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे हो रही है देख के आपको पता लग जाए। आवाज़ आई पता नहीं है, दिन में भी नहीं आता, हम लोग रात में आए और दोबारा आवाज़ आई है। शुभम भाई इधर 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 वो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। किधर? वो सामने 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 सामने। आपने क्लिप देख ली है, कैसी लगी आपको ये क्लिप? इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी अच्छी क्लिप थी। जो पेड़ की टहनी हिली, ठीक है दोस्तों, जो पेड़ की टहनी हिली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो। जैसे कि दो बार शायद पेड़ की टहनी हिली और काफ़ी तेज तरीके से वो हिली थी। उसके नीचे मैं नोटिस कर रहा था कि मतलब ये देख रहा था कि हो सकता है कि पेड़ की जो टहनी हिली है वो हवा के झोंके से हिली हो, बट ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कि वो हवा के झोंके से हिली है। क्योंकि जो नीचे और काफ़ी दो दो ढाई ढाई तीन फुट की जो झाड़ियाँ थी उन पर हवा का कोई असर नहीं था, पेड़ के नीचे की झाड़ियाँ पर कोई असर नहीं था, जबकि पेड़ की टहनी इस तरीके से हिल रही थी जैसे कि किसी शक्ति ने या किसी चीज़ ने किसी ने हिलाया हो उसे, ठीक है। तो ओवरऑल वो ऐसे लगा, तो दो बार ऐसी चीज़ें लगी जिससे ऐसा लगा कि कुछ है वहाँ पर। और जैसे कि सोना सचिन भाई ने बताया ही था इस वीडियो के अंदर कि कोई महिला थी जो इमली के पेड़ पे उसने सुसाइड किया था। सो उसकी स्प्रेड यहाँ पे घूमती है। सो दो तीन जगह पर थोड़ी सी इसी तरीके के कई आवाज़ों का भी आभास हुआ, ऐसा लग रहा था कि कोई चल रहा है। एक बार तो ऐसा लगा कि कोई चल रहा है और पैरों के नीचे कोई बोतल या कोई ऐसी चीज़ आ गई हो प्लास्टिक की, जो मतलब आवाज़ आई हो उसकी कड़क 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 ऐसी आवाज़, तो वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था। देन लास्ट में एक इन्होंने पॉइंट भी किया था, लास्ट में एक तीखी लाइट सी थी, ठीक है वो हो सकता है किसी गाड़ी वाड़ी की हो या किसी घर की हो, बट कुछ तो चमकता हुआ दिखा था वहाँ पे, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो ये सारे तो पॉइंट्स थे जो जहाँ पे मतलब कि एक्टिविटीज़ वगैरह का जो भी था वो सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखी। सेकंड दोस्तों एक छोटा सा सचिन भाई आपसे कहना चाहूँगा कि आपको छोटा सा एक फीडबैक दूंगा कि यार प्लीज़ अपनी वीडियोस को आप रेगुलर रखें, आपकी वीडियोस थोड़े काफ़ी टाइम बाद आती हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वीडियोज़ को थोड़ा रेगुलर रखें। और सेकेंड थिंग ये कि आप अपनी वीडियोज़ के अंदर लाइटिंग का थोड़ा सा हिसाब किताब ठीक रखें,
पहले भी मैंने आपकी वीडियो देखी थी जब उसने भी लाइट का थोड़ा सा मेरे को इशू लग रहा था, लाइट कम थी, लेकिन प्लीज़ आप लाइटिंग का थोड़ा सा रखें कि लाइटिंग हो अच्छी हो, ठीक है। तो यही था, ओवरऑल आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी मेरे को। स्पेशली मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपको मेहनत करते हुए देखते हुए मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, और आप मेहनत करते हो यार, मज़ा आता है आपकी वीडियो में, ठीक है। सो आप बस वीडियो रेगुलर्स रखें ताकि आप जितनी ज़्यादा वीडियोज़ डालेंगे उतने ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और आप इसी तरीके से अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे। सो गाइस, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, भाई को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है भाई को आप सभी के। सो ऐसे इंकरेज करते रहिए ताकि भाई मेहनत कर सकें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।